एक बार मनोहर रूप धारिणी लक्ष्मी माता ने गायों के समूह में प्रवेश किया और कहा कि अब मैं तुम्हारे शरीर में हमेशा निवास करना चाहती हूँ। गाय माता, तुम महान सौभाग्यशालिनी हो, सदा सबका कल्याण करने वाली हो। गौ माता, बताओ तुम्हारे शरीर के किस भाग में रहूं? तब गौओं ने कहा, गाय कहती है कि हे यशस्विनी माता लक्ष्मी, तुम हमारे गोबर और गोमूत्र में निवास करो, हमारी ये दोनों चीज़ें बड़ी पवित्र है। तभी से गोबर और गोमूत्र में श्री लक्ष्मी जी का निवास है ऐसा माना जाता है। यदि हम लोग उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेंगे तो हम भी समृद्ध होंगे और भारत देश भी समृद्ध होगा। किडनी की बीमारी है तो डॉक्टरों की गुलामी करने की, अंग्रेजी दवाओं लेने की जरूरत नहीं है। पुनर्नवा का रस पिए और गोजरण अर्क पिए। अनेकों पत्र आए हैं आश्रम में कि गोजरण अर्क पीने से किडनी की बीमारी मिट गई, किडनी की कार्यक्षमता बढ़ गई और फायदा हो गया। कफ की तकलीफ है तो कोई दवा, कोई कफ सिरप लेने की जरूरत नहीं है। गोजरण अर्क पीने से ही कफ खांसी आदि की तकलीफ दूर होती है, मेरा अनुभव है। पाचन तंत्र बढ़िया हो जाता है और भी कई फायदे होते हैं। हमारे भारत देश में देश के ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर हो सकती है, देश के ग्रामीण भाइयों को रोजगार मिल सकता है, देश के गरीब धनी बीमारों की बीमारी दूर हो सकती है, देश के प्रत्येक नागरिक निरोग लंबी और सक्रिय आयु प्राप्त कर सकते हैं, देश का नागरिक बलवान बुद्धिमान प्राणवान और प्रतिभावान बन सकता है हमारे भगवत स्वरूप गुरुदेव के मार्ग पर चलने से। कई मुसलमान, हैदराबाद में सत्संग था, मुझे कितने 5-6 मुसलमान तो मुझे मिले, वेश से ही पता चल जान के मुसलमान है अमुक भाई, तो वो हरिओम बोलते, हरिओम। मैं कभी आश्चर्य लगता है कि हरिओम मैं भी बोलता, फिर वो बोलते कि हम भी साधक हैं, दीक्षा ली है हमने। और वो मुस्लिम बंधु हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बापूजी से कह रहे थे कि बापूजी आप जल्दी दोबारा हैदराबाद में पधारो और हम सबको दर्शन देकर कृतार्थ करो, हमें बड़ा आनंद आता है। कई मुस्लिम बंधु मैंने देखा, सुना, कानों से वो बोल रहे थे। शांति सबको चाहिए भाई, सुख सबको चाहिए, किसको दुख चाहिए, किसको अशांति चाहिए। तो अब हम शांतिदाता जो नाम है भगवान का, उसका सुमिरन करते हुए शांत होते जाएंगे। हरि ओम।